इस तो अगे फिर मसला आ जाता भी शाम को रोज़ा इफ्तार करन दा किहड़ा टाइम, इहदा भी फसाद पै गया। ए जाफरियां का टाइम है 10 मिनट बाद, यह सुनिया का टाइम है। इस उम्मत ने सुलह नहीं होन देनी, बिल्कुल गल मुकन नहीं देनी, झगड़ा ही शुरू रखना। कुरान मजीद हालांकि साफ आया कि रोज़ा जना फजर तो शुरू सुम्मा अतिम सयाम अलैल, रात तक उन्हें पूरा करो। रात जब शुरू होंदी है सूरज डुब गया रात शुरू हो गई, जे रात नहीं तो असर पढ़ो, फिर जे दिन ही है तो असर पढ़ी जाओ, तो जे नहीं तुम आते नहीं हूँ असर नहीं पढ़ सकते, नहीं दिन है नहीं तो फिर रात ही हुई, दो ही वक्त है। रात जी बारे में पढ़ा ठीक है, देर करता अगर कोई आदमी मकरूह मकरा, तुम भी ना आख्या करो मकरूह कुछ नहीं, एक आदमी ना भी खावे रोज़ा ना खोले मकरूह नहीं होंगे, अपना फायदा भी खा लोगे बेहतर है शुरू। मजमा बयान फी तफसीर सूरा बकरा 281 और पहली जिल्द। तो अलामा तवरसी शी लिखते हैं इला वक्त दखूल लैल, ये रोज़ा जरा जैसे फजरे सादिक सच्ची हो जाती अल्लाह दी अज बिंदा सलात, जदों फजर की नमाज जायज होंगी उतों शुरू होंगे और जदों फिर रात शुरू होंगी है उतों तक चलता। वाह बाद गुरूब शम्स शम्स और ये जरा ना रात सूरज डुबन के बाद जरा वक्त चलता हो। वलामत दखूल इस्तिज़हार सकूत हमरा मिन जाने मिल मशरक व इकबार स्वाद मिन, इतों फसाद पै जाते कि जरा ना एहतियातन सूरज गुरूब होने की निशानी है, तो आदमी चढ़ते मूँह करके खड़ा हो स्याही उठती उठती जो सिर पर आ जाना उस समझे भी मेरे खिते चो सूरज जरा हूँ चला गया, वरना हो सकता किसी पहाड़ के ओरले हो मकान गल ठीक है इदा भी हो सकता अच्छा, मगर ना ही मनते वैला फैजा गाबत शम्स माजूर फाक मबसूता वादा मिलते बाल वा तबादी। हाँ अगर कोई खुले मैदान खड़ा या छत्ते खड़ा जिते पहाड़ नहीं अगे कोई टीले नहीं अगे, वह साफ वेख रहा कि सूरज की टिक्की हम नज़र नहीं आती, उस मगरब का वक्त हो गया रोज़ा खुल चुका। रोज़ा जरा एहतियात ने कहा भी अगर किसी ऐसी जगह से कि नहीं पता लगा फिर यह भी स्याही आद्या अद असमान से, वरना असल हुक्म जरा यही है कि अगर कोई शायद रस्ते च नहीं है रुकावट साफ नज़र आता तुम वेखते जो सूरज की टिक्किया हम नहीं नज़र आनी तो फिर मैं वक्त उस हो जाता। अल्लाह अकबर फकत दखल लैल, जदों रस्ते कोई रुकावट ना हो, जमीन बिल्कुल हमवार हो और साफ नज़र आता हो कि हूँ आसमान से सूरज नहीं नज़र आता, उस रात आ गई है और वक्त जरा वह हो चुका 281। यह समझो अल काफ़ी है और मेरा तो रुकूल है वक्त तो इफ्तार 270 नंबर है और जिल्द की जी 16 बिल्कुल सुनिया वाला आ गया। दूसरे नंबर से हदीस है कि जी कदों जरा तुम समझते अच्छा, तो फिर आते कि इसका गावत नंबरा पक्का गाव सच है, जदों वेख्या कि सूरज की टिक्की वो नज़र नहीं आती और समझो कि वक्त हो चुका और रोज़ा खुल जाता। एक नाल होर जिस तरह एहतियातों से ला देने ना एहतियात या सिर टाके नमाजा पढ़ो, एहतियात दीन में फिर बिगाड़ दें, पहला तो इन्ना ही होंगे भी चंगा काम मुड़ के दीन ही बन जाता बने इस तो सा ठीक ही नहीं। एक ये भी हुक्म लगा दता तीसरी हदीस है कि इफ्तार जरा नमाज तो पहला करे, एक तो स्याही वेख देना 5-10 मिनट चो लग जाने हूँ यह मगर पढ़ के खोले सोएलाम अनिल इफ्तार कबल सलाह तो बाद नमाज तो पहला खोले या नमाज पढ़ लवे तो फिर थली नकाल इनकाना कौम यक्षा इन अशायम फल युफ्तरमा कि जे तो कुछ होर दोस्त भी उठे है जिन्हों के बारे मैं नमाज लग जाऊँगा यार तंग हो गए रोज़ा गेनर तो फिर उन्होंने नाल ही खोल है वह इनकाना गैरा जालिक और अगर इस तरह के दोस्तों का इंतजार नहीं करते फल युसले नमाज पढ़ ल तो वाल युफ्तर बाद फिर जरा अपना कर लहतियात ने गल करके ना बेहतर है जिमें हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी के बारे भी इमाम मालिक लिख ले को दोवें नमाज पढ़ के खोलते थे तो खोलता फिर जो मर्जी मगर जैसे सूरज गुरूब हो गया वक्त जरा ना तो रोज़ा खोलन का हो गया, ये किसी का कोई झगड़ा नहीं कोई शक नहीं। बाकी आ जरा ना कि वेखना आसमान की तरफों स्याही उठती उठती जो अद आसमान तक आ जाए ये अपने मदहब ही हैगा, अगर कोई एहतियात ने करे जे कैर बड़ी गल नहीं जाफरियां का कुछ नहीं
सारे उलमा एक ख्याल होंगे। ए बुखारी शरीफ है, फतुल बारी पंजवां जोज है। इतने पढ़ो कि हजरत इबन अब्बास ही इस तरह कर दी। वक़्त जान इबन अब्बास कहना ला यकफी बिरवात शम्स, कि हदीस आया कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूलुल्लाह के चचाजाद सिर्फ सूरज वेखन से इक्तफा नहीं सी करते, सूरज नहीं नजर आता तो रोज़ा लियान ना तवारी अल जबाल वसहा, क्योंकि कई बार सूरज न पहाड़ भी छुपा लेंगे, उच्चिया इमारतों छुपा लेंदियाँ, बंदे नजर नहीं आता, कभी बदला छुप जाता। वैयक्थवी बेगलाबत जुल मारा रुफ किला दी मिले सर मशरक, मशरक की तरफ वेख लेती मैं, जो मशरक की तरफ स्याही चढ़ती चढ़ती सिर पर आ जाए फिर यकीन हो जाता भी हूँ आधा समान से स्याही आ गई, हूँ नहीं साढ़े इलाके सूरज रहा। और इत फिर लिखा कि हजरत इब्न वाखर जाऊ सईद बिन मंसूर आना, यह हजरत इब्न अब्बास का जोड़ा तरीका ये इमाम सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनत लिया 265 सवाल तो इतफाक पैदा कर ली। ये शीए भी मन जान कि सूरज गुरु बोए तो ऐलान कर दिया कर कि वक्त हो गया भाई खोलो, कि कोई मगर पढ़ के खोलता फिरता तो अपना नेकियां करता फिरे जो उन्हें करनिया। बाकी जोड़ा उम्मत के नाल साथ देना ना, कुरान पाक जो आता सूरज गुरु हो गया रोज़ा खोल, इमामा ने कहा उत्ते आ जाओ ऐलान इकट्ठा करो कि हूँ सूरज नहीं रहा, नमाज ठीक है, कोई जाफरियों का ऐलान वक्रा ना हो ना दूजिया का हो, एक ही तरीका हो, मुसलमान शायद जोड़े ने आपस सुलह इत्तेफाक में रहन।